रहीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गैस, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से हैं? और सुनाएं, सुबह बखैर। आज जुमे का दिन है, आप सबको जुमा मुबारक हो। आप भी देख रहे होंगे गैस कि आज चेंजिंग है, चेंज है। हफ्ते में तकरीबन दो हफ्ते बाद खत वत बनाया जाता है, कलर वलर भी करता हूँ, तो टाइम जैसे मिलता है बहुत कम है, क्योंकि काम करने पड़ते हैं। और सुनाइए गैस, मैंने कहा कि आज अपनी ड्यूटी पर पहुंच कर आज ऊपर की तरफ आया हूं, थोड़ा आपको यहां के मंज़र भी दिखाऊं। और आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं? और ये है कि अब मैं आपको यहां के मंज़र दिखाऊंगा। और सुबह तकरीबन 6:20 का टाइम है, आप ऊपर का समय देखें, ये देखें किस तरह मौसम बहुत बेहतरीन प्यारा हो रहा है। और इंशाल्लाह आप बहन भाइयों का, आप लोगों का अगर तामन रहा तो इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ऊपर की साइड जाके ना ऊपर आया हूँ तो ऊपर का नज़ारा के ऊपर से मैं आपको मंजर दिखाता हूँ, या दूसरी बिल्डिंग का विज़िट कराऊंगा, कि जुम्मे की वजह से शार्ट दिन होने की वजह से ये मैं सब दिखा नहीं पाया, माजरत के साथ। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको ज़रूर विज़िट कराऊंगा। और आप काम का भी था आज, तो सिर्फ पानी वानी लगाना था और कटिंग वटिंग तो करनी नहीं थी, जुम्मे का आपको पता है कि शार्ट दिन होता है। तो बाकी ये बाकी काम कर दिया, पानी वानी लगा दिया, अब ये आके बैठा हूँ थोड़ा। और अब मैं थोड़ा आपको पौधे के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये देखें गाइस, ये आम का पौधा है, ये लगाया मैंने आम का पौधा, और इंशाल्लाह ये भी 4-5 साल में ना अपना हो जाएगा और फल देना शुरू कर देगा। और बाकी जो पौधे लगाए हैं मैंने वो आपको दिखाता हूँ। और ये देखें, ये मैंने अमरूद का पौधा लगाया है, ये अनार का पौधा लगाया हुआ है, ये अनार है, इस तरह सारे अमरूद अनार ये सब लगाया हुआ है। ठीक है गैस, उस तरह मंजर दिखाने से पहले गैस के मैं आपको ये बता दूं कि मैं किस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा ताल्लुक़ पीछे पंजाब साइड से, ज़िला बहावलपुर से, और मैं उस शरीफ का रहने वाला हूँ जहाँ 1.25 लाख पीर हैं और यह कराम है, और जिसको नैब मदीना कहते हैं। और मैं थोड़ा सा अपनी ज़बान में भी कुछ कह देता हूँ, तो भैया मेरे ख्याल के वैसे तो सारे ठीक ठाक हो, तो या मेरे प्यारे दोस्त सारे और मेरे भेणी बिरा सारे ठीक ठाक हो सन। मैं ये चैनल शुरू किते में मैं क्या थोड़ा जहाँ अपना काम दा और अपना माहौल दा यह के दस देव, ये के मेरे अपने सारे बिरामे को भेणी बिरामे को यह रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो चंगी लगे तो एक जरूर यह करा। मैं उस शरीफ तो खास उस शरीफ का रहने वाला हेडपंप के नाल, और बहुत अच्छा शहर है, बहुत और यह कराम का शहर है, पीर मुर्शिद का। मैं ऊँ शहर दाँ जिदा सुरखपुर शेर सैयद जलालुद्दीन महबूब सुबानी, और मैं इंशाल्लाह अपनी जबान दे विच भी बनेदा रह वैसा। और दूजा एक मैं जनने भी पंजाब गयों तो इंशाल्लाह अपना इलाका जरूर दिखेसा, तो आपको जो नैब मदीना आदन वो तारीखी शहर है, बहु वो शरीफ भावलपुर नवाबें का शहर, रियासत है नवाबें की, तो उतों का मशहूर जो रहन भावलपुर के नूर महल है, और दूजा क्या किले हैं और बड़े खूबसूरत जगह हैं। इंशाल्लाह मैं जब पंजाब गयों तो अल्लाह के हुक्म नाल मैं तो आपको जरूर विजिट करवैसा उतों का अपने शहर का। दूजा है कि कराची के आए हुए तकरीबन 40-45 साल ठीक है, मेरे वाले साहब इतना ही होते हैं, वो भी इतना ही नौकरी कर रहे हैं, हूँ उन्होंने की वफात थी गई है 2014 उन्होंने वफात थी है। बाकी
वालदा है, वालदा बीमार रहा है, बस दुआ कर रहे हुए कि मेरी वालदा को अल्लाह पाक सेहत और शफा कामला अता फरमावे। और जाए के भेणी भरा है, सारे शादीशुदा हैं, अलग हैं, और अल्लाह पाक उन्हें कोई तंदुरुस्ती देवे, उन्हें को कामयाबियाँ देवे। बस तुम्हारे सारे भेणी भरा में दी सब फिर मेरे को दुआएँ की जरूरत है, इंशाल्लाह वाल तुम्हारे नाल जरूर गल दी से। जी गैस, आपने देख लिया सुन लिया, मैं अपनी ज़बान में भी के बताया है, मैं ज़िला भागलपुर का हूँ, उस शरीफ का रहने वाला। इंशाल्लाह जब वहाँ जाऊँगा तो आपको विज़िट ज़रूर करूँगा। बहुत खूबसूरत तारीखी शहर है और नैब मदीना कहते हैं हमारे शहर को, उस शरीफ को। कभी आप यूट्यूब पे सर्च करें उस शरीफ तो आपको पता लग जाएगा ख़ुद ब खुद। तो इंशाल्लाह अच्छे इलाके शहर तो सब अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत, बस जाना बहुत कम होता है, सात आठ आठ साल उधर जाते हैं, जाते नहीं हैं क्योंकि बच्चों की यहाँ पढ़ाई है, बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल में। यहाँ जहाँ स्कूल में नौकरी करता हूँ यहाँ तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, और प्राइवेट स्कूल है। और दूसरा है कि प्रूवड प्राइवेट स्कूल है तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट के स्कूल में फर्स्ट आते हैं, अच्छी पोजीशन लाते हैं। और दुआ करें कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाबियाँ अता फरमाए इंशाल्लाह। गैस मेरी बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं मिलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, अब जुमे का दिन है, शॉर्ट दिन है, 12 बजे छुट्टी हो जाती है, और छुट्टी हो चुकी है बल्कि। और यह है कि अभी देखें बेल बज रही है, और जुम्मा जाएंगे, नमाज का टाइम है, जुमे का टाइम होगा और जल्दी छुट्टी होगी। तो इंशाल्लाह अभी छुट्टी के बाद अभी जाऊंगा मस्जिद, मस्जिद जाकर जुमा नमाज़ पढ़ूंगा, जुमा नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह फिर अलग उनसे घर जाऊंगा। फिर अगर मौका मिला तो आपसे ज़रूर बात होगी, और मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दूंगा। ठीक है गैस, ओके, अल्लाह हाफिज़। अब छुट्टी हो गई है, मैं घर आ चुका हूँ, अब नमाज को थोड़ा टाइम है जुमा नमाज को, और मैंने कहा कि चलें खाना वाना खा के ना उसके बाद फिर नमाज पे जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज क्या बना है घर में, तो देखते हैं, आप भी देखें। भी बिरयानी बनाई हुई है, ये सलाद है, और रायता भी डाला हुआ है, और माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह बहुत अच्छा है। अब ये है कि ये खाना खा के और इंशाल्लाह फिर मैं नमाज पे जाऊंगा। ये घर आ चुका हूँ, ये देखें, ये मेरा बड़ा बेटा है और ये भी खाना खा रहा है, ये भी नमाज पे जाएगा अभी खाना खा के। और ये छोटे वाला, ये तो कमीज़ उतार के बैठा हुआ है, अपना टैबलेट में लगा हुआ है, और ये देखें बड़ा एंजॉय कर रहा है, मज़ा कर रहा है। ठीक है जी, आप ये देख लें, और नमाज का टाइम हो गया, अब नमाज के लिए चलता हूँ इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद अगर मौका और टाइम मिला तो इंशाल्लाह आपसे बात होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।